राहुल गांधी, संजय सिंह और महुआ मोइत्रा, विपक्ष के ये तीन सांसद वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले और सबसे प्रमुखता से गौतम अडानी को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सरकार को संसद से लेकर सोशल मीडिया में घेरा। महुआ मोइत्रा आज भी सोशल मीडिया के जरिए अडानी मामले पर न केवल सरकार बल्कि उनके वकील हरीश साल्वे को भी घेर रही हैं। दरअसल हरीश साल्वे ने हाल में अडानी के ही चैनल NDTV को दिए इंटरव्यू में कहा था, अडानी ग्रुप की कंपनियों को निशाना बनाकर बाजार में अस्थिरता लाने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की गहन जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग कोई चैरिटी या मदद करने वाली संस्था नहीं है और इसका मकसद मिडिल क्लास के निवेशकों को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमाना है। अडानी के चैनल में अडानी के वकील के ऐसे बयान पर महुआ मोइत्रा ने हरीश साल्वे को आड़े हाथों लेते हुए कहा, अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरे शोध के बाद तैयार कराई गई है। लंदन में बैठे SG किस तरह हिंडनबर्ग को भारत के मध्यम वर्ग को अडानी के शेयरों में हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मिस्टर नागपुर वकील साहब, आपको आपकी फीस अडानी से मिल जाएगी, लेकिन हम्प्टी डम्प्टी को कोई नहीं बचा सकता सर। अपने एक और ट्वीट में महुआ मोइत्रा लिखती हैं, मिस्टर साल्वे को इस तरह अदालत में अपने मुवक्किल का बचाव करना जारी रखना चाहिए। एक तरफ अडानी मामले में संजय सिंह और महुआ मोइत्रा जैसे नेता लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार अब तक इस मामले में चुप्पी की चादर ओढ़े हुए है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक जांच कमेटी बना चुका है और सभी को भी 2 महीने के अंदर स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कह चुका है। उसके बावजूद भी अब तक इस पूरे मामले में सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।